ग्लास ले जाकर मम्मी को दे दो। माउंटेन ड्यू पी रहे हैं? जिसको पीना है वो ले लो। माउंटेन ड्यू पी के छत से छलांग मारेंगे, जाएंगे वहां तक। अच्छा पहले माउंटेन ड्यू डर के आगे। सुप्रभात, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार कल का होली का दहन तो आपने देख ही लिया, और आज ना होली का दिन है तो यहाँ पे बच्चे लोग ना सुबह से एकदम खेलने में लग गए, और मैं जो है ना टीवी देख रही हूँ यहाँ पे बैठ करके, मैं और चाचू, क्योंकि यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा है होली और रंग खेलने का, क्योंकि कल रात को ना मेरे चेहरे पे मैंने खेला था और हल्के हल्के से ना दाने जैसे पड़ गए थे। और यहाँ बुआ को देखो, भूत बनकर जो घूम रहे हो। और भाई साहब यहाँ तो लोग इस तरह से होली खेल रहे थे ना, मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं, मतलब सब कुछ अपना मिट्टी से रंग से हर चीज़ से खेल रहे थे। और अंत में मुझे भी टीका टाकी लगी है, क्योंकि भाई बुरा ना मानो, होली है, ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ जाता है। बट ठीक है यार, बहुत मज़ा आया, रंग तो लग ही गया है। और उसके बाद यार इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, तो कल का कढ़ी चावल था और पकौड़ी वगैरह सब तो हमने सुबह सुबह नाश्ते में वही कर लिया, क्योंकि इसके बाद फिर हम जो है खाना वाना बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बुआ लोग बैठी है और हम लोग टीवी देखते देखते मस्त आराम से बैठ के खा रहे हैं, और खाने पीने के बाद बुआ लोग ना दोबारा से चली जाती है होली खेलने के लिए। और यहाँ देख रहे सबको, सब बुआ का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और नीचे जाए खेलने के लिए। और रेडी वो पूरी भूत बन चुकी है, बट फिर भी यार देख रहे हो कैसे सब कुछ मिट्टी में लाल पीले नीले होके घूम रहे, कितना अच्छा लगता है यार। मैं भी सोचती हूँ कि मैं कभी ऐसे खेलूं, लेकिन यार क्या करूं, मैं खेल लेती हूं ना उसके बाद फिर मेरे को ना हल्की हल्की इचिंग होने शुरू हो जाती है, चेहरे में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूं। कभी कभी नहीं होती, बट समटाइम्स होती है, समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या ही दिक्कत है। बाकी यहाँ का माहौल यार इतना मस्त मस्त गाना बज रहा था ना, सब कोई डांस कर करके खेल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कसम से। आपने होली कैसे सेलिब्रेट की कमेंट करके जरूर बताना, आपकी होली बहुत अच्छी गई या फिर ठीक ठाक गई। तो यार इन लोगों को होली खेलने देते हैं, और हम लोग सब जो है जा रहे हैं, मतलब हम लोग सब नहीं, मैं और चाचू जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं चिकन लाने के लिए, क्योंकि आज होली है तो चिकन मटन तो भैया मैंडेटरी है। मतलब जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए हम सॉरी, बट यार हम तो क्या करें, खाते ही हैं तो बस ठीक है, चलता है यार। और उसके बाद वापस आकर हमने खाया था दही बड़ा, और उसके बाद बुआ ना गर्मा गर्म मस्त पुए पूरी सब कुछ तल रही थी, तो उसके बाद हमने ये खाने के बाद फिर वो भी बैठ करके खाया आराम से। और इतना फोकस तो मेरा करियर पर नहीं जितना खाने पर और टीवी देखने पर है, देख रहे हो मुझे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे मार्केट, तो वहाँ से हम लोग लेकर के आए हैं चिकन, जो कि परी को बहुत ज़्यादा पसंद है। देख रहे हो, खुशी देख रहे हो लड़की की। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एकदम बिहारी स्टाइल। ये खड़ा गरम मसाला और सब रख लिए हैं, प्याज एक एवरेस्ट वाला भी रख लिया, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये मसाला बुआ तैयार करके दिए, चिकन मसाला, और बाकी तेल गरम हो रहा है तो बनाते हैं फटाफट से। कसम से देश निकाला जैसा महसूस होता है कभी कभी, कहते बुआ नहीं खाती ना, बुआ खाती तो फिर मज़ा आ जाता, तो घर में बनता नहीं ये सब। हेलो, देखिए आज हम लोग चिकन बना रहे हैं, मैं और मेरी दीदी है यहाँ पे, चिकन बनाते हुए, और मैं यहाँ पे बैठ के देख रही हूँ, मुझे तो बनाने आता नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमने प्याज डाल दिया भूनने के लिए, खड़ा गरम मसाले के साथ भी भून जाएगा, उसके बाद फिर चिकन डाल के भूनेंगे अच्छे से, और उसके फिर नमक वमक डाल देंगे, फिर मसाला सब अच्छे से भून करके सीटी ला कर बनाएंगे। ज़्यादा वीडियो रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि यार सबको आता है बनाना। तो अभी हमारा चिकन जो है मैंने डाल दिया था प्याज भुनने के बाद में, और अभी ये भी ऑलमोस्ट भुन चुका है, बीच में मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और उसके बाद ये जो मसाला रेडी करके लेकर के आए थे, तो फिर ये हमने डाल दिया, और इसको डालने के बाद इतना अच्छा से भूनना है ना, जब तक वो तेल और अरोमा रिलीज ना कर दे, मतलब आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन लगना चाहिए। और देख रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। और यहाँ पे परी जो है मस्त आराम से बैठ करके टीवी देख रही है, फ़ोन देख रही है, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। और यहाँ पे फिर मैंने ऊपर से चिकन मसाला भी डाल दिया था एवरेस्ट वाला, ताकि टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो सके। जो है फ्रेंड्स मेरा वो बन गया है, चिकन बन गया है, तो मैं तो चावल बना रही हूँ। मतलब पहले तो सोचे थे कि हम लोग पूड़ी और पुआ के साथ खा लेंगे, लेकिन बच्चे लोग कहें चावल भी खाना है, तो इसलिए चावल बन रहा है, और बस बन रहा है यार, क्या बोलूँ। अच्छा बना है, कैसा बना है? हाँ? मेरे को भी तो खा के लग रहा है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा बना है इस बार। पहले खाते नहीं। हाँ पहले खा ले, खाओ, खा के रिव्यू दो कैसा बना है। क्या खा कर रिव्यू दो कैसा बना है? पानी नहीं आ रहा। पानी मुंह में नहीं जा रहा, पानी में है ही नहीं। पहले खाओ उसके बाद बताओ। हाँ बताओ। चावल अच्छा, अब ये खा ले।
चावल तो अच्छा लगा चावल। अच्छा तो यार इतना ठूस ठूस के खाने के बाद जो है ना, अब हम लोग थोड़ा सा पचाने का सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग माउंटेन ड्यू लेकर के आए हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है और खाने के आगे पचाना है जो भी है। और इस सेक्शन का पता नहीं म्यूजिक वॉइस जो भी था यार, पता नहीं कहाँ ही चला गया, इसके लिए मेरे को ऊपर से बताना पड़ रहा है कि देख रहे हो खाने के बाद हम लोग यहाँ पे माउंटेन ड्यू के साथ चखना लेकर के खा रहे हैं भुजिया, और यहाँ पे मस्त अभी हम लोग बच्चे लोग हम लोग सबको एंजॉय कर रहे हैं, सनसेट का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, पीला पीला लग रहा है। एक गिलास लेकर जाओ। गिलास तो खत्म हो गया, बोतलें लेकर चल जाओ। नहीं बोतल हम पी जाएंगे, वो बोतल से पी जाएंगे, ग्लास से ले जाकर मम्मी को दे दो। हम माउंटेन ड्यू पी रहे हैं। हाँ, जिसको पीना है वो ले लो। माउंटेन ड्यू पी के छत से छलांग मारेंगे, जाएंगे वहां। अच्छा पहले माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत। पहले बोल रही थी ज्यादा मत दो, अब पी रही है तो उसको अच्छा लग रहा है, तो अब और डालते जाओ और डालते जाओ। एक ही बार में दो दो गोटी निकल गया। अरे सबसे पहले अंदर जाऊंगी, मेरे को पता है, इसीलिए इतना ऊंचा कुचक के जा रहा है। चलते नहीं, टीवी चलते नहीं, ये चलते नहीं, गाली नहीं गई ना। बच गए। मैं बोली ना, वो माउंटेन ड्यू पी है ना, इसीलिए मेरी गोटी ज्यादा ऊंचा करी है, अब पहले अंदर जाएगी। बाप बेटी का कर रहे हैं, नहीं बढ़ूंगी इसको, जा मार खाना तो उसके पीछे कहा मेहनत करूं। पता था मेरे को माउंटेन ड्यू पे इतना उछल रहा है ना, मेरा गोटी पहले भी तरह जीतते जीतते बेचारी रह गई। पहले एक चल देती और फिर दोबारा चल, हाँ पहले एक चल देती ना, उसके बाद फिर दो से इसका हो जाता, फिर वो बैठ करके ये करती। ये मोटा हट, निकल इधर से, देखो कह रही नहीं जाने के लिए। हाँ कहाँ करूँगी रे, क्या करूँगी, रुक के बता, खाली खाऊंगी फिर सुता रहूंगी पूरा दिन। खाना खाओ, जाओ जाओ खाना खाओ, जा रही है टाटा। हैं कैसे तो मुंह बना रही है, जा मैडम आ गई, पढ़ो बैठ करके, हो गया।